हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग पे। मैं पंकज रौतेला बागेश्वर से, और दोस्तों मैं अभी हूँ बागेश्वर में। मेरे पीछे आप देख सकते हो ये है जूना अखाड़ा, और आज बागेश्वर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं कुछ समय में। तो दोस्तों आपको आज हम दिखाएंगे कि आज है बसंत कुमार जी का, जो कि अभी कांग्रेस पार्टी में चले गए हैं, तो उनकी रैली है। तो आप देखिए क्या बताते हैं, क्या बागेश्वर के लिए विकास कार्यों के लिए के क्या घोषणा है लोगों की, क्या करने वाले हैं। तो आपको हम बने रहिए आप वीडियो में, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा और पता चलेगा कि बागेश्वर में क्या होने वाला है, कौन कौन से नेता उठने वाले हैं चुनाव में इस बार। तो दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो वीडियो में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। तो दोस्तों बने रहिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ठीक मेरे पीछे ये है नुमाइश के, जहाँ पे आज रैली है कांग्रेस पार्टी की। और तो दोस्तों देखते हैं कि रैली में क्या होता है, क्या जनता के लिए घोषणाएं होती है बागेश्वर के लिए, और क्या बागेश्वर में नया आने वाला है। और तो दोस्तों बने रहिए वीडियो पे। चलो फिर दोस्तों शुरू करते हैं, सीधे नुमाइश खेत जाते हैं और आपको दिखाते हैं हमारे नेता क्या बोल रहे हैं, क्या घोषणाएं कर रहे हैं, क्या विकास की क्या बातें होने वाली है आज। चलो फिर दोस्तों, मैं सभी मुख्य अतिथियों का इस मंच के माध्यम से स्वागत करता हूं। अल्मोड़ा से हमारे बड़े भाई श्रीमान सिकंदर पवार जी हमारे मध्य है, और हमारे इस जनपद के एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हमारे जनपद के प्रभारी श्रीमान महेंद्र सिंह लोधी जी हम लोगों के जनपद प्रभारी हैं, और उनका भी इस मंच के माध्यम से स्वागत करूंगा। हमारे मध्य है पूर्व प्रधान श्रीमान देवरेत दीवानी। लेता हूँ आप लोगों का प्यार स्नेह आशीर्वाद और आपकी दुआएं। जब तक मेरे साथ है 225 साल मुझे कुछ होने वाला नहीं है, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इस मंच के साथियों। साथियों पुनः अपने सम्मानित मंच का धन्यवाद अदा करता हूँ और आह्वान करता हूँ आप सभी लोगों से, विनती करता हूँ कि 2022 में जब मैं चुनाव हार गया था तो दिल में बड़ी चोट लगी थी मेरे समर्थकों की, और आज मौका आया है, आज अपना एक दिन भूखा रह के आज त्योहार छोड़ रखा है मेरे साथियों ने, मैं उसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि त्योहार सुबह जल्दी मनाया होगा और अपने बच्चों को खिला के तब जाके यहाँ आए होंगे। हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे, बोले भाई वहाँ भीड़ लग गई होगी। मैंने कहा हाँ त्योहार है, थोड़ा देर में आएंगे, लेकिन बाद में हमने फोन किया वहाँ तो बोला जी मैं आप लोगों की आवाज बनकर सड़क से लेकर सदन तक भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों का पर्दाफाश करने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। इस तरीके से अपने बच्चे को ज्यादा नंबर दिलाकर और दूसरे के बच्चे के नंबर कम करके भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अपने बच्चों की नौकरी नहीं लगा पाएगा, ऐसी गारंटी मैं आप लोगों को देना। इसको संवारने की आवश्यकता है, क्योंकि आजकल जो है भारतीय जनता पार्टी के पास सत्ता की पूरी ताकत है, और उस ताकत से हमारी फसल को वो बर्बाद कर सकते हैं।